हमारे ग्रंथों को पढ़ना, हमारे पुराणों को पढ़ के जीवन में उतार लेना आएगा, तब कथा श्रवण का लाभ है। बाकी तो सारी रात नाव चलाई रह गए मथुरा में। तीन लोग बैठ गए मथुरा में नैया पे, नारायण पाटिल ध्यान इधर ही रख, ये खुटुर पुटुर की बात पहले भी कर लेना है बाद में भी कर लेना, और अगर कथा श्रवण करने आए हो तो आज से कसम खा लेना मैं दक्षिणा तो लेता नहीं, अभी तक तो मिला नहीं पर शायद मैं साना में मिल जावे। मैं मांगता हूं कि हर पिता में पुत्र के लिए अपार स्नेह हो और हर पुत्र में श्रवण के जैसी पीड़ा अपने पिता के लिए हो, ये मेरी दक्षिणा है। संकल्प लो, हम सनातनी हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, ये हमारी दक्षिणा है। सास अपने बहू को बेटी जैसा रखेगी और बेटी सास को मां जैसा सम्मान देगी। काश ऐसा हो जाए, हर दरवाजे पे तुलसी के वृक्ष लग जाएं, हर घर में ठाकुर जी का भोग लगने लगे, तो समझूंगा कथा सार्थक हुई। बैठ गए नैया पर, हमारे गजानन तिवारी ऐसे लोग बैठ गए नैया पर, अच्छा चलाना चालू कर दिया, गीत भजन गाते हुए अपना चालू किए। एक प्रहर दो प्रहर चारों प्रहर बीत गए, एक थका तो दूसरा, दूसरा थका तो तीसरा, चिड़िया चहकने लगी, मंदिरों में घंटे बजने लगे, पक्षी किलोल करने लगे, ब्रह्म मुहूर्त का संकेत मिलने लगे। तो लोगों ने कहा सुबेरा हो गया है, ये तीनों ने कहा आनंद लेंगे, अब तो पहुंच गए हम रमण रहती। बोले चलो किसी से पूछ ले, दूसरे से के भैया ये कौन सा गांव, बोले मथुरा। अरे भाई वहां से तो हम रात को ही चले, पूरी रात हमने मेहनत भी की है, चप्पू भी चलाया, फिर भी अभी मथुरा ही है। बोले ओ भाई जब मथुरा ही है तो कौन सा गांव बताएंगे, मथुरा ही है ना। बोले पूरी रात नाव चलाई वो, बोले मूर्ख नाव तो चलाई पर नैया की डोर खूंटे में बधी रह गई, खोलना भूल गया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि माता पिता की सेवा अगर आप नहीं करेंगे, गौ गुरु गंगा गीता गायत्री को नहीं स्वीकार करेंगे, तो पूरी संपत्ति बेच के फकीर बन के हवन करते रहो, उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अतिथि देव भव, मात्र पित देव भव, आचार्य देव भव, इसे स्वीकार करें तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण में आचरण की बात आती है, क्योंकि जिन्हें आप बोलते हैं मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी लाडो, कौन किसका है भाई, है कोई तो बताओ। यहां द्वितीय श्लोक में यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर तन्मयता तरवो विनेदु सर्वभूत हृदय मुनि मन तो मना। सुखदेव जी का संस्कार भी नहीं हुआ, ऐसे 13 संस्कार तीन रूप मिला के 16 संस्कार की बात कही जाती है, लेकिन आजकल बच्चों से पूछें बेटा संस्कार जानते हो, संस्कार चैनल का नाम सुना गुरुजी,
એને ઓલા બહેન ના ભાઈઓ ને કહો ને તમે ગીતા પાઠ કરવાનું જોઈએ. બોલે ઓલી બેન ગીતા કાલેજ માં હાથે જ છે, બીજી ગીતા ની ગરજ નથી. ગીતા ભૂલ જાયંગે, ભાગવત કે લીએ અબ મોહન ભાગવત કહેને લગેંગે થોડે દિનો મેં. હમારે મહાપુરુષો પર સ્વાધ્યાય હમારી બહોત બડી તાકત હૈ. માફ કરના ભાઈ બહેન, હાથ ઉઠા કરકે પૂછ રહા હું, હાથ ઉઠા કર અપની પાંચ પીઢીઓ કા નામ કોઈ બતાને વાલે કિતને લોગ હૈ? छत्रपति शिवाजी कब आए और कब गए? कितने वर्ष हो गए? कृष्ण कब आए कब गए? राम कब आए कब गए? हरिश्चंद्र कब आए कब गए? सब जानते हैं, लेकिन हम हमारी पांच पीढ़ियों को जानने में असमर्थ से हो रहे हैं, क्योंकि हम हमारे महापुरुषों को पढ़ते नहीं. कितने बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें कुल गोत्र का ज्ञान ही नहीं है सर. हमारा सनातन तो यहां तक कहता है कि शब्द चाहे स्वप्न में दिए हो या जागृत अवस्था में, ज्ञान चाहे प्रोक्ष हो अप्रोक्ष हो, बैखरी हो या फिर पराबैखरी हो, मान उतना ही मिलता है. आपने अगर स्वप्न में भी शब्द दिया ना, तो उसके कारण तो आप ही हैं. हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही तो सब कुछ दिया था विश्वामित्र को. और ब्रह्म मुहूर्त में विश्वामित्र दरवाजे पे खड़े मिले, कहने लगे भैया मैंने भी स्वप्न देखा है कि आपने मुझे स्वप्न में सब दे दिया और उन्हें दे देना पड़ा. अगर हम स्वप्न भी आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन में, मस्तिष्क में, दिल में, किसी ना किसी कोने में कुछ है जिसकी हमें चाहत है. वही कल्पना हमारे स्वप्न में आती है, कुछ तो है. स्वप्न क्यों आते हैं? हमारी कल्पना है, हमारी अतृप्ति है, हमारी आशा है. काश ये आशा आस्थाओं में बदल जाए तो आदमी भवपार हो जाए. श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय श्लोक में व्यास जी का सुपुत्र सुकदेव जी का भी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है और संन्यास लेने के लिए चल पड़े. दूसरे के बेटे के पैर तो बड़े प्यार से पूजे है ना, गुरु कृपा ही केवलम, पर अपना जब घर से बाहर जाए तब बाप जी जो तू करा बोला भाई मंदिरों में वेलो छे अजी है ना, संसार ना हूं थे केवी रीते हाले है ना संसार है. ए बाबो थई जाए तो पची नो हाले. यहां पर संन्यास की बात कही गई है. संन्यास का मतलब जिस पर कभी संशय ना हो. आवाज दिया, हे पुत्र कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? सुकदेव जी वृक्षों में तन्मय हो गए. तन्मय का मतलब एक दूसरे में समा जाना, अदृश्य हो जाना. जैसे दूध में लिप्त होकर बोले कौन पुत्र, किसका पुत्र, शाश्वत की बातें करो, नश्वर से क्या लेना देना. दुखने सुकदेव जी की उत्पत्ति कहां से हुई है? सुकदेव जी, सुख शब्द का अर्थ होता है तोता. सुकदेव पूर्व जन्म में काशी के एक ब्राह्मण पुत्र हुए, जिन्हें प्रारब्ध भ्रष्ट होने के कारण तोते के योनि में जन्म लिया, वो भी निष्क्रिय अंडा.
सती ने शिव से निवेदन किया, मुझे अमर कथा सुननी है। सती ने शिव से निवेदन किया कि मुझे अमर कथा सुननी है। शिव ने सहर्ष स्वीकार किया और अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा श्रवण करते करते सती को निद्रा आ गई और उस अमर कथा श्रवण के प्रभाव से ये निर्जीव अंडा सजीव हो गया। सती निद्रा मग्न थी और सुकदेव अमर कथा का श्रवण कर रहे थे। वो निर्जीव अंडा, कथा का पूर्ण विराम हुआ। शिव ने सती से कहा, आपने कथा सुना? बोले, ना जी ना, मैं तो सो गई थी। फिर यह हुंकारी कौन दे रहा था? वो तोता। आप ध्यान देना जरा, निर्जीव सजीव हो गया कथा के श्रवण से, याद रखना बातें हैं। शंकर जी ने कहा, तो आप सो रहे थे, फिर यह कथा श्रवण कौन कर रहा था? मृत्यु भय। आजकल व्यक्ति दो चीज से ज्यादा डरता, लोग क्या कहेंगे। अरे जिसे जो कहना वो तो कहेगा यार, तुम अपने लक्ष्य को देखो, दुनिया को मत देखो। सोशल इज द इंडिफरेंट एटीट्यूड। ये तो सीधे रास्ते जाने नहीं देंगे। माता पिता की सेवा करे तो श्रवण कुमार हो गया, ना सुने तो अहंकारी हो गया। पत्नी की ना सुने तो अपनी माँ की सुनता है, पत्नी को ध्यान नहीं देता। बहुत सारी, इनका काम ही बोलना। और ज्यादा चर्चा वो करता है जो निष्क्रिय होता है, जिसमें कर्म की क्षमता होती है। वो बोलते नहीं, उन्हें याद रहता है मौनम सर्वत्र साधनम। मृत्यु के भय से तोता भाग रहा है। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल फेंक दिया उसके ऊपर और पीछे खुद भी भाग रहे हैं। सुखदेव जी की, व्यास जी की पत्नी आंगन में बैठी हुई हैं। सूक्ष्म रूप से नासिका से प्रवेश करता है। शंकर जी आकर खड़े हुए, हो व्यास जी तुम्हारा मेरा चोर है। कहने लगे, कैसा चोर? बोले, इसने अमर कथा सुन ली है। उनके जाओ, वैसे हजार शंकर कुछ नहीं कर सकते, जिसने अमर कथा एक बार सुन ली है उसे शंकर कुछ नहीं कर सकते। यही सुखदेव जी, भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता था कि भागवत कथा वही अमर कथा है। अगर कथा के श्रवण से एक निर्जीव अंडा सजीव हो जाता है, तो कथा श्रवण से आपके जीवन की थकान क्यों नहीं उतरेगी भाई? इसलिए लिखा है ना, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। कथा श्रवण का भी भेद है। हा? कथा में तो मंडप में सारे बैठते हैं और सुनते बिरले लोग हैं। यही तो कारण था, गोकर्ण ने कथा सुनाई तो पहली बार तो खाली धुंधकारी का वैकुंठ गमन हुआ ना। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बाद अगर उसे आचरण में आचरित ना किया जाए तो सिर्फ मनोरंजन है। और इनके लिए गुरु अच्छा होना चाहिए। बाकी आजकल तो तिवारी बाबा ठाट का गुरु, बाट का चेला, और सांझ हुई कि दोनों अकेला का अकेला।
जीवन में हर दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह अति दुर्लभ वस्तु मिल गई, यह मेरे को विभूतियां मिल गई, यह मुझे वैभव मिल गया। अगर आपसे कहा जाए कि आपके साथ में दौलत एक अनुपम मिल जाए, एक सुंदर स्वरूप मिल जाए, अरब खरब मिल जाए और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण का दुर्लभ अवसर मिल जाए, तो सबसे ज्यादा महत्व किसे देंगे? क्यों? कि मिलती है राम नाम की, मिलती है राम नाम की, अज दौलत कभी कभी मिलती है।
फल। हाथ उठाइए थोड़ी देर आप लोग को जिनके हैं सारे उठाइए उठाते हुए और सारे लोग मेरे साथ जाएंगे। गोविंद जान जप ले। एक मिनट इन लोगों से बाबा जी लगवा लें जरा सा। एक बार बोले बाग के बिहारी लाल की। भोजन नहीं हुआ है क्या? हरि गोविंद नाम जप ले जीवन सुधार ले। बरसात तो नहीं है बादल गरज रहे हैं मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से तुम भी समझ रहे हो हम भी समझ रहे हैं। एक बार मुलाकात का ये दुनिया से मिलने में मजा नहीं है इससे एक बार मुलाकात का मौका तो दीजिए।
कथा का भाव। मैंने क्या कहा, अगर दुर्लभ वस्तु क्या मानी गई, भागवत कथा का श्रवण, और सबसे दुर्लभ माना गया संतों का दर्शन। पर संत मिले तो खरा, नहीं ये कलयुग है शर्मा जी। कहे लोभी लंपट कपट खल, लोभी लंपट कपट खल, खल परिहार उदास, और कलयुग में आडंबरी ये जगतिन को दास। सत्य का निरादर, सत्य का शेखावत जी, ओ शेखावत जी, मैंने कहा कलयुग में सत्य का निरादर और आडंबर की ही उपासना है, लेकिन संत भगवान नहीं है। कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता महाराज, संत नामे वृत्ति। सबसे ज्यादा रामचरितमानस को महत्व दिया गया, क्यों? क्योंकि मानस में हर किसी को मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन अवसर आने पर कड़वा घूंट सबको पिलाया, किसी को बख्शा नहीं। एक तरफ कहते हैं कि संत चरित संत सरल चित जगत हित, हित अनहित नहीं कोई, और दूसरी तरफ बाबा ने क्या लिखा है, कि तापस तापस तप जप। शब्दों पे ध्यान देना, गोस्वामी जी ने गागर में सागर भरा है, सागर में गागर नहीं। तापस तप जप जोग विरागा, काम क्रोध मद अति अनुरागा। तापस तप जप योग विरागा, काम क्रोध मद अति अनुरागा। तापस, आप तपस्वी हो जाए, तप तप कर ले, जप कर ले, वैराग्य क्यों ना धारण कर ले। तापस तप जप जोग विरागा, आप तपस्वी बन जाए, जप कर ले, वैराग्य धारण कर ले, लेकिन इनका महत्व तो कुछ भी नहीं है। कब तक कि काम क्रोध मद अति अनुरागा, अगर आपकी प्रीति अभी काम क्रोध मद मोह मच्छर से ही है, तो भगवा पहनने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि भगवा वृत्ति का नाम है, संत का नाम। प्रथम श्लोक के बारे में आपने सुना, दूसरे की सुना, अब ये देखिए कि जब दो संत मिलते हैं तो संवाद करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम् भीवाद्य महामतिम् कथायमरित साध कुशल सोनको। सौनक इत्यादि ऋषियों से प्रश्न किया गया, बात प्रश्न की अगर आए तो, मेरी उम्र तो लगभग 42 साल हो गई है, और मुझे 93 में मैंने इस वेश की ओर प्रस्थान किया, और अभी तक खैर अपने गुणगान नहीं करें तो ज्यादा अच्छा, गुरु जी का काम है वो करना है ना। लेकिन मुझे संतों से प्रश्न करने वाले संसारी नहीं मिले, इन्हें तो संतों से प्रश्न करना आता ही नहीं। आता है तिवारी,
संतों से प्रश्न करना हो ना तो 6 महीने लगा दो, साल भर लगा दो, विचार कर लो, चिंतन कर लो, मनन कर लो, फिर प्रश्न करो। क्योंकि मेरे भाई बहन, संत का सानिध्य, संत का रज, अन्न का कण बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसको कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। प्रश्न भी लोग क्या करते हैं, स्वामी जी क्या करूं, बड़ी विषम परिस्थितियां आ गई हैं जीवन में, बहुत संघर्ष करते हैं, यश नहीं मिलता, बच्चे का विवाह नहीं होता, छत नहीं है। मेरे भाई, सांसारिक प्रपंच की चर्चा संतों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिना कहे आपका काम कर देगा, इसे कहना पड़े तो गुरु किस काम का। कभी संतों को सानिध्य मिले तो मेरे भाई बहन, जीवात्मा और परमात्मा की बात करो, सत्संग की बात करो, जीवन में सदगति की बात करो। ये तो आज नहीं कल हो ही जाएगा, क्योंकि गुरु वो नहीं है जो जिहवा का स्वाद ले, गुरु वो नहीं है जो ब्रह्म और वेद को बेचे, गुरु वो नहीं है जो पैसे वालों से ही मोहब्बत करे। अक्सर हमारे यहां व्यवस्था होती है, जहां भी हम कथा करते तो काफी लोगों का एक सीमित दायरा है। आज के मुख्य यजमान नामांकित होता है बाकायदा, आज की मुख्य आरती फला। लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कल से जब कथा में आए तो आप सब आरती सजा के लाए। ठाकुर जी व्यापारियों के नहीं, हर आदमी के हुआ करते हैं। ठाकुर जी हर घर में वास करते हैं, इसलिए हर किसी को आरती करना। पैसे वाले ही कथा कराएंगे, ऐसा क्या होता है सिखाओ साहब। वास्तव में जिनके अंदर भाव होते हैं, कई बार बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, पीछे बैठी हुई एक वृद्ध माता डोसी भाव रखती है, काश मैं भी बिहारी की आरती करती, पर हाय रब्बा मेरे पास तो पैसे नहीं। उसकी आह में भगवान है और मुझे नहीं समझ। गुरु की बात जो है, गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आज मेरी इच्छा है कि मैं गौशाला से ही घृत तैयार करूं और मंदिर में ज्योति जलाऊं। गुरुदेव ने कहा तथा अस्तु। बंदे ने दही जमाया, बिलोने की तैयारी करी, सुबह मक्खन निकालने की तैयारी कर रही है। सिखाओ जी ध्यान से सुनना, परिश्रम करते करते उसके नेत्रों में मथानी जा चुकी है। दही बिलोते ना, ये आंख में लग गया। चिल्ला पड़ा, गुरुदेव त्राही माम, गुरुदेव त्राही माम, गुरुदेव के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव मैं तो मंदिर की ज्योति जलाने चला था, यहां तो मेरी ही नेत्र ज्योति चली गई। गुरुदेव ने कहा, रे मूर्ख, जिसका गुरु समर्थ हो
उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तेरी नेत्र ज्योति कैसी चली जाएगी। जिस पे कृपा गुरु की हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। जिस पर गुरु की कृपा हो वो निर्भय होकर के जिए, और जहां सूर्य उगता है और जहां अस्त होता है यहां तक उसे कोई छू भी नहीं सकता, अगर सच्चे गुरु का लाल है तो। नहीं तो पची विचार करूं पड़े ना, लोहा में खोटो है लोहार खोटो एम खोट तो छे बेई माखिया में लोहा में खोट तो है तो पर शस्त्र सारा में सारा न था ने लुहार मा खोट हुए तो आकार आकृति ना आवे। गुरु ने कहा जा, अब थोड़ी देर में उसकी नेत्रों से पीड़ा होने लगी, रुदन करने लगा। गुरुदेव ने कुछ चीजें हम लोगों को है ना संतों को दिखावे के लिए करनी पड़ती है, बच्चों को बहकाना होता ना, इसे लॉलीपॉप देखिए। गुरु जो करता वो शिष्य थोड़ी समझेगा, गुरु तो शाश्वत बात करेगा ना, गुरु सूक्ष्म शक्तियों की बात करेगा, लेकिन इसे तो जो दिखाई पड़े उसी में अटक गया है। मेरे भाई जो दिखाई पड़ता है वो नष्ट हो जाता है, ये शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। कल्पना है मेरी कि हुस्न तेरा है सनम, शांति बाबा, हुस्न तेरा है सनम एक दिन फना हो जाएगा, हुस्न तेरा है सनम एक दिन फना हो जाएगा, खाक छन छन के गिरेगी और मैला कफन हो जाएगा। शरीर का क्या होगा महाराज, गुरु ने कहा आ जाओ, बैठाया। अब ध्यान दीजिए चोट किसको लगी है, शिष्य को। नेत्र में पीड़ा किसके हो रही है, शिष्य के। मेरे भाई बहन, गुरु ने अपने आंखों को ऐसे करना चालू कर दिया। लोग ये गुरु है या शत्रु, क्योंकि उनको उतना ही भान था। शिष्य के नेत्रों में पीड़ा है, गुरु ने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। बहुत पीड़ा, थोड़ी देर में समाज को दिखाने के लिए भी कुछ करना पड़े। जैसे हमारे आयुर्वेद का एक सैंपल है, या किसी भी प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स फील्ड के है ना एक सैंपल है, कई बार बिना मतलब है ना चार प्रकार की टेबलेट लाद देनी पड़ती है, जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। मान लो किसी को खांसी है, जुकाम है, या किसी की एलर्जी है, तब हमारे आयुर्वेद में सबसे बढ़िया वाले एंटी एलर्जिक सीतोपलादी है। अब मान लो दो रोगी आ गए और दोनों को हमने सीतोपलादी दे दिया, तो बाहर ले जाकर फेंक देंगे और चार श्लोक और सुनाएंगे, ये साइको है। क्या करेंगे सर, मोरल मेडिसिन में अगर किसी को बुखार है, टेरामाइसिन इंट्राक्रैनियल डेरिफाइनल का इंजेक्ट कर दे तो 5 मिनट में बुखार उतर जाए। रियल में उसे इंजेक्ट की जरूरत है, लेकिन ही वांट ड्रिप। जब तक बोतल नहीं चढ़ाओ उसको सुकून ही नहीं, हमारी डॉक्टरी फेल हो जाती है। तो कई बार उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। कितना भी हैवी फीवर हो, अगर मॉडर्न मेडिसिन में इंट्रो टेरामाइसिन इंट्राक्रैनियल पैरासिटामॉल साथ में बेटनिसा लेविल का कॉम्बिनेशन दें, और डेरिफाइनल वगैरह का अगर अच्छा इंजेक्शन डाल दे, आइबोमिन वगैरह, तो 15 मिनट में फीवर उतर जाएगा। और मॉरल मेडिसिन भी कहती है कि किसी भी तरीके का अगर बुखार है तो ड्रिप्स नहीं चढ़ाना चाहिए, अलाउड ही नहीं है। लेकिन पेशेंट को पेशेंस नहीं है,
जब तक उसे बोतल नहीं चढ़ाएंगे ना तब तक उसे सुकून ही नहीं मिलेगा। बोले बापू तो ऐसी कह दिया, ड्रिप लगवाया ही नहीं, मजबूरन उसको लगाना पड़ता है ऐसा, उसको खुश करने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। बट क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता, पेशेंस लेवल ही नहीं उसका। खैर आपको इंजेक्शन नहीं, चलिए आज बात चल गई तो अपने हथेलियों को ऊपर करिए, मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। इन हथेलियों को ऊपर करिए आप, ऐसे एक कथा का मंच है ना, तो एक्यूप्रेशर की बात नहीं करी जानी चाहिए, बट फिर भी किसी भी शरीर में साइनाइस है, माइग्रेन है, एंटी एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो ये तीनों पॉइंट करना रहेगा। 3 to 5 times, 20 times, मॉर्निंग एंड इवनिंग। माइग्रेन है, साइनाइसी है, स्पॉन्डिलाइसिस है, या ब्रेन सेल्स डेड हो रहे हैं, या यूरिन का प्रॉब्लम्स है, तो जहां तक यूरो स्टेप भद्र पुंकाम देते हैं वो ये है। और जब आपका सिर बहुत ज्यादा दुखे, घर में कोई दवा ना मिले, तो ये थम्स, इसको दबाने लगेंगे 10 टू 20 मिनट में सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। जब हार्ट के इश्यूज होने लगे तो ये यहां पर पुशअप करते रहिए, इंपैक्ट अगले माइक्रो 5 सेकंड में हो जाएगा। नेत्र ज्योति, चश्मा उतारना है तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। खैर विषय लंबा हो जाएगा, अपन अपनी कथा में रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए स्पेशल कल से मिलना, शिविर का समय मुझे नहीं पता, आप बता देना जरा। यहां दबाते रहिए तो इससे नेत्र ज्योति चली जाएगी। फेफड़े रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये, इसमें मैग्नेटिक एनर्जिकल पॉइंट्स हैं, इसी को ज्योतिष में कहा गया है देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और ब्रह्म तीर्थ। हमारे हाथों में 3 तीर्थों का वास। अब गुरु ने क्या किया, चोट किसको लगी है, शिष्य को। गुरु महाराज ने दुनिया को दिखाने के लिए चेले के आंख पे पट्टी तो बांधी, उबटन बनाकर बांध दिया। थोड़ी देर बाद ध्यान देंगे, शिष्य के नेत्र के पट्टी को गुरु ने अपने नेत्रों पे बांधा, शिष्य के नेत्र के पट्टी को गुरु ने अपने नेत्रों पे बांध लिया। और भाई मेरे, क्षण मात्र बाकी रहा, क्षण मात्र के अंदर क्या हुआ, शिष्य के नेत्र पहले जैसे निर्मल हुए और गुरु के नेत्रों में पीड़ा होने लगी, ऐसा गुरु मिले तो घर हो गया। गुरु ऐसा है, इसलिए स्वयं शिव ने कहा है, स्वयं शिव ने स्कंद पुराण के 152वें पेज के 4th श्लोक में कहा है, कि गुरु त्यागाद भवेत मृत्यु, मंत्र त्यागाद दरिद्रता, गुरु मंत्र परी त्यागी रौरवम नरकम व्रजे। कहा है कि अगर गुरु का त्याग करते हो तो अकाल मृत्यु होती है। गुरु मंत्र का त्याग करते हो तो दरिद्रता आती है, और जब दोनों का त्याग करते हो तो रोरो नर्क मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से जब गुरु की प्राप्ति होती है तो आने वाली मौत भी दूर भाग जाती है, और जब गुरु मंत्र का जाप करते हो तो चारों प्रकार की संपदाएं स्वयं आपके घर चल के आ जाती हैं। और जब गुरु और गुरु के मंत्र को जीवन में समर्पित भाव से लेके चलते हो
तो ये नर से नारायण बना देता है, ये गुरु की कृपा हो। काल व्याल ग्रहसाय त्रैत्राप विनाशनम, गुरु के प्राप्ति से मौत के मुंह से भी व्यक्ति बाहर निकलता है और सारी संपदाएं प्राप्त होती है। स्वयं शिव सती से और क्या कह रहे हैं, कि गुरु भक्ति विहीनस्य तपो विद्या व्रतम कुलम निष्फलम महेशा केवलम लोकरंजन। गुरु भक्ति विहीनस्य, गुरु भक्ति के बिना तपस्वी हो जाओ, विद्वान हो जाओ, कुलीन हो जाओ, पांडित्य को पालो, लेकिन स्वयं शिव सती से कहते हैं हे सती, ये सब कुछ मात्र मनोरंजन लोक दिखावा है एक गुरु कृपा के बिना। नास्ति ददाति गंगा यमुना गोदावरी मनवांचित स्नानम फलम छिन्नमस्ता मातंगी भैरवी बगला तथा। दस महाविद्याओं की साधना करने वाले प्रकांड तांत्रिक, सप्त सरोवर का स्नान करने वाले साधु, यति सती नर किन्नर धनुज गंधर्व सिद्ध मनुज धनुज मनवांछित फल की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक गुरु कृपा न हो जाए। कुछ लोग कहते मैंने गुरु बना लिया। मेरे भाई, माँ बहन और गुरु ये बनाई नहीं जाती, ये मानने की चीज है, जैसे परमात्मा मानने की चीज है। जानना है तो संसार को स्वयं को जानो, उसे तो मानना पड़ता है। कौन हरे दुख मेरो, कौन हरे दुख मेरो, कौन हरे दुख मेरो, हे गुरु बिन, हे जी गुरु बिन कौन हरे।
गुरु ब्रह्म रूप है मेरा सतगुरु के जैसा है, इसमें विषय और विकार ही भरे हुए हैं और गुरु अमृत का खान है। शरीर के विषय विकारों को नष्ट करने में माहिर है। अगर ऐसे सतगुरु की प्राप्ति सिर कटा करके भी मिले तो भी सौदा सस्ता ही मानना चाहिए, क्योंकि गुरु की प्राप्ति यूं नहीं हुआ करती।
सौनक ऋषि ने सूत आदि से संवाद किया है, चर्चा किया है कि प्रीति सौनकम चित्ते हाथो वाच में विचारे चे सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन। प्रमाण आता है मेरे भाई बहन, आजकल लोग बड़े भाव से उदाहरण देते हैं, आप तो नारद हो गए, क्या कहते हैं आप नारद? मेरे भाई उस देव ऋषि का बहुत उपकार है हम पे। अगर देव ऋषि नारद ने सौनक आदि ऋषियों से चर्चा नहीं किया होता तो सत्यनारायण कथा का श्रवण का आनंद नहीं मिला होता। अगर देव ऋषि नारद ने विष्णु को श्राप नहीं दिया होता तो राम का जन्म नहीं होता। अगर देव ऋषि नारद ने कंस की बुद्धि नहीं भ्रष्ट की होती तो कृष्ण का अवतार नहीं होता। और आज अगर देव ऋषि नारद ने सौनक आदि सूत इत्यादि ऋषियों से चर्चा परिचर्चा संवाद नहीं किया होता तो आज हमारे आपके कानों को सुनने के लिए श्रीमद् भागवत भी नहीं है। वो देव ऋषि नारद ने जब भी किया परमार्थ का कार्य किया, जगत कल्याण के लिए युति लगाई, लेकिन आज के नारद स्व कल्याण की बात करते हैं। देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, सूत जी के समक्ष पहुंचते हैं और प्रश्न करते हैं। आप भी करेंगे थोड़ी देर संकीर्तन। भजमन नारायण 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 भजमन संकीर्तन में शर्म नहीं होती और संकीर्तन में आके अगर प्रभु के जैसे हो ना जाए, दुनिया को भूलकर हरि नाम में खो ना जाए तो संकीर्तन का आनंद नहीं। कि नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा देखा जाएगा, नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। पहले तो ख्याल था, पहले ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, लेकिन अब डर नहीं है। शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो संकीर्तन में है, मौत में नहीं। रोम रोम प्रफुल्लित होना चाहिए, हर्षित होना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, तालियां बजाना चाहिए, हरि में खो जाना चाहिए, इसको कहते हैं संकीर्तन। भजमन नारायण नारायण नारायण